इसलिए तो दिल्ली के सिस्टम के लोगों से यद्यपि हम लोग लगातार टच में हैं, लेकिन उनको भी और ज़्यादा हम अच्छी तरीके से उनके सामने हमने जो देश में अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं, जो भारत सरकार 17 जनवरी ऑनवर्ड्स लगातार में चर्चा की है, दिल्ली सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कि अपने सभी अस्पतालों में या आइसोलेशन इत्यादि के लिए हमें सस्पेक्टेड लोगों को भी प्रॉपर फैसिलिटीज में आईसी, जो आइसोलेशन की फैसिलिटीज, आइसोलेशन के वार्ड्स, उनको तुरंत डेवलप कर लें। विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को हमने लास्ट वीक आपको बताया था, हमने सारे देश भर में उनको भेजा था और क्रिएट की गई है एंटिसिपेशन में, आगे अगर कोई हमें ज़रूरत पड़ती है, और एयरपोर्ट्स पर वो सारी की सारी वो देख कर वापस आए हैं। ये सारी बातें दिल्ली में अभी हमने आज दिल्ली के अधिकारियों से, जो खासकर अभी कोई भी केस आता है तो अब कम्युनिटी के अंदर उसको आगे स्प्रेड ना, किलोमीटर के दायरे के अंदर कोशिश की जाती है कि एक एक दिल्ली और तेलंगाना के अंदर रिपोर्ट हुए थे, तो दिल्ली के केस की जब हम लोग किए गए, जो दिल्ली का केस था, तो उसमें दिल्ली में जो केस था, दत्ता जो रिलेटिव्स को ही जो है उसने आगरा में जाके इन्फेक्ट कर दिया, और उसके केस के कारण उसके परिवार में ही 6 पॉजिटिव केसेस आ गए, उसके परिवार के, उसके परिवार के। तो आप एक बार सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद कोई आपके मन में बात, फिर उसके बाद वहाँ के जो ऑफिशियल्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोगों ने उसके आसपास के जो 3 किलोमीटर के डायमीटर में एक्चुअली टेक इट फॉरवर्ड, वरना तो जिस जिससे कोई संपर्क करता जाएगा, जब तक आपको पता लगेगा कि ये भी हो सकता है और आप उसको आइसोलेट करेंगे, उसके पहले दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी हमने कहा है, और उनको ये भी कहा है कि जो सर्वेलेंस के जो ऑफिसर्स तरीके से स्ट्रेंथन कर दें, आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी तरीके से डेवलप कर दें, और लगातार भारत तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ही जो है हैव टू टेक चार्ज ऑफ द होल सिचुएशन। तो ये हमने एक उनके साथ बातचीत करके आज ये मीटिंग की है दिल्ली के सभी लोगों के सरेंगे, और अभी सुबह हम लोगों ने इनफैक्ट कल ही ले लिया था ये निर्णय कि अभी तक हमने बताया था लास्ट टाइम जब आपसे थे, उनका यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है, क्योंकि जो को बताऊंगा, तो अभी जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ्लाइट से आएंगे, विल बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, दैट इज़ वन डिसीजन दैट वी हैव टेकन। दूसरा जो अभी हमने हमारा हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर ईरान की सरकार ने हमारे को सहयोग किया, तो ऑलरेडी हमने एक वैज्ञानिक अपने कल भेज दिए हैं, अभी करने के लिए अपना सारा इक्विपमेंट इत्यादि सारी चीज़ें भेज रहे हैं। अगर वहाँ की सरकार के द्वारा ठीक प्रकार से हमें ईरान के अंदर भी एक लैब को एस्टैब्लिश कर दें, और जो लोग वहाँ से ईरान से हमको वापस लाने हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक और जानकारी आपको देनी है कि एक इटालियन ग्रुप ये करीब घूमने के लिए आया था, और उस समय ये इटली जो है ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का भी पार्ट नहीं था, तो निगेट किया गया, तो वो पॉजिटिव पाया गया, जैसे ही उसके उसका पॉजिटिव हमको, जो ग्रुप है उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी ये है कि वो जो एक व्यक्ति और उस ग्रुप के जो बाकी लोग जो थे उसमें से 14 लोग जो थे उनको जो है वो पॉजिटिव पाए गए, उसी इट दे हु हैड कम टू इंडिया मच बिफोर वी वर स्क्रीनिंग पीपल कमिंग फ्रॉम इटली, उनमें से एक व्यक्ति को के आईटीबीपी कैंप में तुरंत शिफ्ट कर दिया। वहाँ शिफ्ट करने के बाद जब उनकी टेस्टिंग कराई तो उसमें से 14 लोग जो है वो पॉजिटिव आए, प्लस 15 वो हो गए, और वो
एक प्रकार से उनका हस्बैंड और वाइफ हो गए, तो एक्चुअली 18। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, तीन केसेस ऑलरेडी केरल में आए थे। केरल में आने के बाद वो ठीक होके घर चले गए, उसके ब्रदर इन लॉ वगैरह रहते थे, ही हैड गॉन टू आगरा ऑल्सो। हमने तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया ना, 66 लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेस किया उसका, उसमें थिंग एवरीथिंग। तो उसी के कारण उसने जो है अपने जो रिश्तेदारों को इन्फेक्ट किया, दैट इज हाउ वी कुड कैच इट, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, और कॉन्टैक्ट्स को जो है ट्रेस किया गया। तो अभी एक ये इटालियन ग्रुप, एक ये दिल्ली में केस आया, इसने अपने रिश्तेदारों को इन्फेक्ट किया। बताया ना, देखिए दिल्ली में जो एक केस आया उसने 6 को इन्फेक्ट किया अपने रिश्तेदारों को। इटालियन जो ग्रुप आया, उस इटालियन ग्रुप ने जो है एक इंडियन है जो ड्राइवर है, 16+1 कह सकते हैं आप उसको जो है। अब इसमें एग्जैक्ट जो कितनी बार बताएंगे, अभी देखिए ये अभी जो हिट होता है इस 28 में, मैंने आपको ब्रॉड बताया कि 3 लोग केरल में आए थे ठीक हो गए, एक दिल्ली में आया, वो इटालियन ग्रुप जो ट्रैवलिंग के लिए भारत में आया था, उस ग्रुप के जो है 16 इटालियन और उसको जो चाइट नाउ विच इज विद अस, चलिए आई थिंक मेरा ख्याल से मैंने ठीक, मैंने आपको तो अभी ये देखिए, पहले भी हमने ये बात आपके चाहिए, क्योंकि बीमारी ये तेजी से स्प्रेड होती है, एक से दूसरे में जाती है जल्दी, इसलिए प्रिकॉशंस लेने ज्यादा हैं। कि सबसे बड़ी मेजर चीज तो यह है कि मेरा ख्याल से अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर करने के एंगल से थोड़ा सा जितना अवॉइड कर सकते हैं अच्छा है, नॉट दैट कि अब एक बड़ी गैदरिंग में अगर एक भी व्यक्ति सस्पेक्टेड या इन्फेक्टेड है तो ही इज हियर। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो मेरा जो थूक है या उसकी जो छोटे छोटे कण जिसे ड्रॉप, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए, और फिर दूसरा जो है एक दूसरे के साथ टच करके हो सकता है। तो अगर इन्फेक्शन रहे, साबुन से वॉश करते रहें 20 सेकंड तक कम से कम, अच्छी तरह से वॉश करें, हैंड शेक की जगह आई रिकमेंड कि भाई अगर अभिवादन किसी का कर दिस कि मैं अपने खांसते छींकते समय हम टिश्यू पेपर का यूज़ करें, उसको फिर आँखों पर हम ना लेके जाएं, जिन सरफेसेस को हम बार बार टच करते हैं उनको क्लीन रखें। ये कुछ ब्रॉड प्रिकॉशंस हैं। ट्रीटमेंट इसका मॉल लेना पड़ेगा और प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स, तो इसलिए सिंपल प्रिकॉशंस लेके और प्रॉपर रेस्ट करके, और हम खासेदार को ना दें इसलिए कम से कम वो तो मास्क जरूर यूज करें। ये सारी प्रिकॉशंस जो हैं ये आपके माध्यम से भी ज़्यादा दूसरे लोग सब जगह से, हमारी मिनिस्ट्री से भी जा रहा है, सब जगह से जा रहा है। तो छोटी 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 बातें हैं, ये लोगों को आप बताते रहें हमें। अभी हमारा मैंने पहले भी टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें ये जो पॉजिटिव्स हैं इनके बारे में आपको बता दिया। 15 लेबोरेटरीज हमने पहले एस्टैब्लिश की थी फर्स्ट फेज में, 15+19 और हो गए। देखिए ये मैंने तक तो हम लोग जो है कभी भी एक्सपेंड करके ले जा सकते हैं। अभी जब हम अगर ईरान में जाकर लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोशिश है कि जो हमारे लोग बाहर हैं वो भी वापस आना चाहते हैं, तो वहाँ पर इन्फेक्शन आप जानते हैं कि बहुत और या उनको लाकर क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अभी हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में उसके बारे में डिटेल में चर्चा वगैरह करेंगे, लेकिन अगर फैसिलिटी की वहाँ पर अगर उनके आ रहे हैं 4 बजे की फ्लाइट से, एक ऑलरेडी जा चुका है, 3 और जा रहे हैं ईरान, और सामान हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ये वायरल लैब्स तो सब वही देखता है, जो डॉक्टर बलराम भार्गव का डिपार्टमेंट है। टेस्टिंग हम जितनी आवश्यकता हम अभी 25,000 तक कर सकते, मतलब डेली तो जितनी
जितना है 50,000 एक लाख दिए है ना फैसिलिटीज। पीएम ने कहा है, सभी से अपील की है, उन्होंने भी कहा है कि वो होली नहीं बनाएंगे क्योंकि होली का त्योहार आ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी ने भी सारे इट इज नॉट सेफ टू सेंड नहीं, आप उसको रॉन्गली मत इंटरप्रेट करिए, ऐसा नहीं है। पब्लिक गैदरिंग है, उसमें 100-500,000 लोग इकट्ठे होते हैं, तो अगर हम अवॉइड कर सकते तो कि भाई स्कूल में भी अगर बहुत ज्यादा गैदरिंग्स ना करें, और जो डबल से ज्यादा रेट हो गया 95 मास्क पर देखिए, ये तो जो कर रहा है उसके कारण इस तरह की जो आप बातें बता रहे हैं, कोई कर रहा है तो डेफिनेटली उसको तो ब्लैक शीप की तरह उसको जैसे में चाइना से बड़ी मात्रा में वहाँ पे गुलाल पिचकारी और तमाम चीज आती है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किसी तरीके की एडवाइजरी डायरेक्शन? प्राइम मिनिस्टर तक ने इतना बड़ा ट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं होली में कोरोना वायरस के कारण पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो प्राइम मिनिस्टर से बड़ा जो है कोई देश के अंदर पार्टिसिपेशन अवॉइड करते हैं तो इट इज गुड। इसमें कोई अब नॉर्मल सिम्टम आता है, इतने सारे लैब आपने बताया कि एस्टैब्लिश कर दिया, बावजूद सब कुछ इक्विप्ड है, सब जगह बराबर फैसिलिटी है। NIV जो है सबसे पुरानी पेरेंट लैब है, इसलिए एक हम लोगों ने डबल हाईएस्ट लैब से भी हम लोग सेकेंड कन्फर्मेशन करते हैं। मान लीजिए ये सपोज करिए भगवान ना करे नंबर बढ़े, तो जरूरी नहीं कि हम डबल कन्फर्मेशन अभी जब तक हम देखिए वो किसी भी अस्पताल में जाएगा, अपने जो डॉक्टर को कंसल्टेशन करेगा, अपनी बात बताएगा। संख्या बढ़ाई जा रही क्योंकि सब लोगों को कहा जा रहा है। अभी देखिए ऐसा है, अभी मैंने कहा ना जितनी चीजें जानकारी आपको देने के योग्य मेरे पास इस समय तक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेरी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर इनफैक्ट सेइंग दैट जो सस्पेक्टेड केसेस हैं, अगर हम लोग तो देखिए हम लोग नहीं बोलते हैं, आप लोग मीडिया को देखिए, मीडिया को तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जब तक कोई चीज को हम नहीं बोलते ये आप लोगों से अपील किया कल शाम तक का जो मेरे पास था अभी, क्योंकि वो 3-4 बजे आता है। यस्टरडे वी हैड स्क्रीन्ड अबाउट 5,89,000 पीपल विद नेपाल, दैट वॉज द नंबर, एंड अबाउट 27,000 पीपल वर अंडर कम्युनिटी सर्वेलेंस टिल यस्टरडे। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।